हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको माय सेल्फ के बारे में बताया था। अब हम आपको शरीर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं कुछ उसके बारे में बताएंगे। यहाँ मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आप एक बार फिगर जरा ध्यान से देखिए। लेट अस स्टार्ट विथ माय हेड। हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? हेड से स्टार्ट करते हैं। ये हेड देख रहे हैं ना, कहाँ है हेड? आई हैव टू ईयर्स। हमारे पास कितने कान होते हैं? टू कान होते हैं। दे हेल्प मी टू हियर। ये हमारे सुनने के काम आते हैं। इसके बाद ये हमारे किस काम आते हैं? ईयर हमारे किस काम आते हैं? ईयर हमारे सुनने के काम आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे हेड और क्या है हमारे हेड में? हेड के पास आई है। आई है जिससे क्या होता है, हम लोग चारों तरफ आई से हम लोग चारों तरफ क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? नोज़ आता है। नोज़ यह किसके किस काम में आता है? नोज़ ये हेल्प करता है हमारे सूंघने के काम में, सूंघने के काम में आता है। ये क्या करता है? ये स्मेल का काम करता है। स्मेल का काम करता है ना, किचन में मम्मी कुछ भी बनाती हैं तो आपको पहले पता चल जाता है कि मम्मी क्या बना रही है। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा? माउथ आता है। ये आप देख लो, माउथ देख रहे हो ना, माउथ। ये जो है माउथ किस काम में आता है? ये हमारे खाने को, हमारे भोजन को खाने के काम में आता है। ई माउथ हेल्प्स मी टू ईट फूड। इसके इनसाइड में अंदर में क्या होता है? इट हैज़ टीथ टू च्यू फूड। ये जो है माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ होता है जो कि हमारे भोजन को चबाने के काम में आता है। और क्या होता है टीथ के अंदर? और क्या होता है? टंग होते हैं ना, हाँ टंग होते हैं, जो हमारे खाने के स्वाद को बताता है। अब देखिए, आपके गर्दन से जुड़े हुए आपके सर से जुड़ा हुआ क्या होता है? गर्दन होता है। गर्दन होता है ना, जो क्या करता है? ये हमारे हेड को ऊपर नीचे घुमाने के काम में आता है। किस काम में आता है? नेक, हमारे गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाने के काम में आता है। एंड राइट विद द हेल्प ऑफ माई नेक आई कैरी माई स्कूल बैग ऑन माई शोल्डर। आई कैन कैरी बैग विथ माई शोल्डर। शोल्डर मीन्स क्या होता है? कंधा होता है। ये हमारे स्कूल, हम लोग क्या करते हैं कंधे पर क्या उठाते हैं? अपना स्कूल बैग उठाते हैं ना, उठाते ही नहीं उठाते हैं, उठाते हैं। उसके बाद आता है हमारा हैंड्स। क्या आता है? हैंड्स क्या आता है बोलो? हैंड्स आता है। हैंड्स क्या करते हैं हम लोग? राइट करने का काम करते हैं और खाने बॉल पकड़ने का काम करते हैं। करते ही नहीं करते हैं? हाँ। करते हैं। यस मैम। अब इस हैंड में क्या लगे होते हैं? फिंगर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फिंगर लगे होते हैं। कितने फिंगर होते हैं? 10 फिंगर होते हैं। कितने होते हैं? 10 फिंगर होते हैं। अब हम आते हैं अपने पैरों की तरफ। ये क्या है, हमारे पास कितने लेग होते हैं? 2 लेग होते हैं। ये किस काम में आते हैं? दौड़ने के काम में आते हैं, जंप करने के काम में आते हैं। और हम लोग खड़े किस पे होते हैं? अपने, हमारे पास कितने वो फिट होते हैं? 2 फिट होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग क्या होते हैं? खड़े होते हैं। और इसमें 10 उंगलियां होती हैं जिनको हम लोग टोज कहते हैं। हाथ की उंगलियों को फिंगर कहते हैं और पैर की उंगलियों को टो कहते हैं। अब हम, आप लोग को समझ में आया इतना? समझ में आ गया ना। अब देखिए कुछ चीज़ें जिसको मैं फिर से रिवाइज करूँगी। देखिए, आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर। हमारे कान जो हमारे सुनने का कार्य करते हैं। उसके बाद आते हैं नोज। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल द थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी होते हैं उससे हम उसको सूंघने का काम किससे करते हैं? अपने नोज से करते हैं। आवर माउथ हेल्प अस टू ईट फूड। हमारा जो माउथ होता है वो किसका किस काम में आता है? हमारे खाने के काम में आता है। आवर स्किन लेट्स अस फील द थिंग्स अराउंड अस। और जो हमारे शरीर के ऊपर जो स्किन होते हैं, जो चमड़े होते हैं, वो क्या फील कराता है? कि वो हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है वो फील कराता है। अब देखिए, ईयर नोज आईज टंग एंड स्किन आर आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ईयर
नोज आईज टंग एंड स्किन। ओके, इसको आप लोग कॉपी पे, ये जो रिवाइज मैंने करवाया है इसको आप कॉपी पे अपने नोट कर लीजिएगा। मैंने होमवर्क दिया है लर्न एंड राइट 10 बॉडी पार्ट्स नेम, और एक क्वेश्चन और है मैं दे रही हूँ, उसको आप लोग राइट कीजिए और इसको कॉपी पे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स। ओके, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, होमवर्क आप लोग लर्न भी कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा।